नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी अत्री और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। फरदाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन को लेकर एनआईटी फरदाबाद विधायक नागेंद्र भड़ाना द्वारा पिछले 1.5 साल से निशुल्क सफाई सेवा क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत उनके द्वारा निजी तौर पर अपने खर्चे पर उपलब्ध कराए गए 15 ट्रैक्टर ट्रॉली घर घर से कूड़ा उठाने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सफाई अभियान में आज सेक्टर 55 में विधायक नागेंद्र भड़ाना और पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी ने हरी झंडी दिखाकर इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सेक्टर का कूड़ा उठाने के लिए रवाना किया। इस मौके पर सैकड़ों सेक्टरवासी मौजूद थे। विधायक और पुलिस कमिश्नर ने स्थानीय लोगों के साथ झाड़ू लगाई और कूड़ा उठाकर ट्रॉलियों में डाला। जहां पूरे देश में प्रधानमंत्री के आवाहन पर सफाई व्यवस्था की मुहिम चलाई गई है, उसी से प्रेरित होकर एनआईटी से एकमात्र इनेलो विधायक नागेंद्र भड़ाना, जिन्हें अब बीजेपी का समर्थन प्राप्त है, उन्होंने सेक्टर 55 में आज सफाई अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर सेक्टर 55 में विधायक नागेंद्र भड़ाना और पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी ने हरी झंडी दिखाकर इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सेक्टर का कूड़ा उठाने के लिए रवाना किया। यही नहीं, विधायक और पुलिस कमिश्नर ने स्थानीय लोगों के साथ झाड़ू लगाई और कूड़ा उठाकर ट्रॉलियों में डाला। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक ने बताया कि उनके दादा की याद में उन्होंने 15 ट्रैक्टर ट्रॉली पिछले 1.5 साल से घर घर से कूड़ा उठाने के लिए चलाई हुई हैं और आज उन्होंने 2 नई ट्रैक्टर ट्रॉलियां सेक्टर 55 और वार्ड नंबर 1 का कूड़ा उठाने के लिए लोगों को सौंपी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान से प्रेरित होकर 1.5 वर्ष पूर्व उन्होंने अपने दादा की याद में 15 ट्रैक्टर ट्रॉली निशुल्क सफाई सेवा के तहत चलाई हुई है और ये ट्रैक्टर ट्रॉली घर घर से कूड़ा उठाने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि आज उन्होंने 2 नई ट्रैक्टर ट्रॉली सेक्टर 55 और वार्ड नंबर 1 का कूड़ा उठाने के लिए लोगों को सौंपी। विधायक के अनुसार राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सहयोग से मुख्यमंत्री ने उनके क्षेत्र में रैली की थी और उनकी घोषणा के अनुसार आज उन्होंने क्षेत्र में 250 करोड़ के विकास कार्य प्रगति पर है। इस मौके पर हरी झंडी दिखाने पहुंचे फरदाबाद के पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी ने कहा कि सफाई अभियान को कामयाब करने के लिए जन जन को आगे आना होगा, तभी जाकर हम स्वच्छ भारत का निर्माण कर पाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चलाया हुआ है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत और स्वच्छता ही सेवा है, इसी मिशन के तहत हमने अपने नेट विधानसभा क्षेत्र में पिछले 1.5 साल से सफाई अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत हमने छोटे ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, क्योंकि मेरे नेट विधानसभा क्षेत्र के अंदर कॉलोनीज ज़्यादा हैं जिनमें जो गलियाँ हैं वो संकीर्ण पतली होने की वजह से उनमें बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए हमने छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली मेरे दादाजी महाशय चंद्रबल पर्यावरण रक्षा सेवा समिति के नाम से इसमें चलाए हुए हैं, जो घर घर जाते हैं और घर घर से कूड़ा करकट उठाने के लिए लोगों से अपील करते हैं और मेरे क्षेत्र की जनता का इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी और प्रशासन का और नगर निगम का सभी अपना इसमें भरपूर सहयोग हमें दे रहे हैं। आपकी निजी तौर पर आपकी तरफ से ये ट्रॉलीज लगाई गई, कितनी ट्रॉलीज हैं और कब से आप इस सेवा में लगे हुए हैं? पिछले 1.5 साल से ये स्वच्छता अभियान चला हुआ है। वो हमारे एक्शंस बन जाते हैं, कार्य बन जाते हैं, जो हमारे कार्य होते हैं वो हमारा कैरेक्टर बन जाता है। जब हम सफाई की बात करते हैं उसके बाद हम सफाई के लिए काम करते हैं तो वो हमारे कैरेक्टर के अंदर, मैं समझता हूँ फरीदाबाद के लोगों के अंदर, सेक्टर 55 के लोगों के अंदर वो बात आ रही है। और जब तक ये सफाई जन अभियान नहीं बनता तब तक हम सफाई के जो हमारा टारगेट है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इसको जन आंदोलन बनाने के लिए, सब लोगों में बात पहुँचाने के लिए एक बड़ा अच्छा कार्य है जो सब लोगों को जोड़ के किया गया है। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ फरीदाबाद में सेक्टर 55 में इसकी काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी पॉलीथीन सभी जगह जगह पर गलियों के अंदर काफ़ी कूड़ा है, उसको साफ करने के लिए सभी को साथ आने की आवश्यकता है।